हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल भावना ब्यूटी। और मैं हूँ भावना। कैसे हैं आप सब? सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं स्प्लिट एंड्स के बारे में। स्प्लिट एंड्स होना एक बहुत ही आम बात है, हर इंसान को स्प्लिट एंड्स होती ही है। मैंने जहाँ तक देखा है लड़कों को तो शायद ही कभी होते हों, क्योंकि लड़कों के बाल छोटे होते हैं और लड़के अपने बाल एटलीस्ट एक डेढ़ महीने में कटवाते रहते हैं, लेकिन लड़कियों के बाल लंबे होते हैं, इसलिए लड़कियों के बालों में स्प्लिट एंड्स होना बहुत ही आम बात है। हर इंसान को स्प्लिट एंड्स होते हैं, यहाँ तक कि मुझे भी होते हैं। सो गाइस, स्प्लिट एंड्स होना बुरी बात नहीं है, लेकिन स्प्लिट एंड्स होते ही रहना और उसे अपने बालों से नहीं हटाना बुरी बात है। क्योंकि अगर हम अपने बालों से स्प्लिट एंड्स को नहीं हटाएंगे तो हमारे बाल बहुत लंबे टाइम के लिए डैमेज हो जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाएंगे, इतने ज़्यादा डैमेज हो जाएंगे कि उस डैमेज को रिकवर करना हमारे बस में नहीं रहेगा। सो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्प्लिट एंड्स होता क्या है। स्प्लिट एंड्स होता है जब हमारे बालों के जो ये नीचे के हिस्से होते हैं, जैसे ये बाल है, जो ये बालों के जो नीचे के हिस्से होते हैं, इसमें से एक बाल में से दो या तीन बालों का निकलना, यानी बालों के दो से तीन चार मुंह बन जाना, ऐसे बहुत सारे बाल निकल जाना, उसे कहते हैं स्प्लिट एंड्स, यानी कि हमारे दो मुंह के बाल हो चुके हैं। स्प्लिट एंड्स होते इसलिए हैं क्योंकि हमारे बालों की जो ग्रोथ होती है वो स्ट्रेट होती है, हमारे बाल बिल्कुल सीधे बढ़ते हैं, लेकिन जब हमारे बाल नीचे से डैमेज हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, तो वो इधर उधर बढ़ना शुरू हो जाते हैं, आधे इधर हो जाते हैं, आधे उधर हो जाते हैं, जिससे एक बाल में से दो से तीन मुँह निकल जाते हैं, उसे कहते हैं स्प्लिट एंड्स। स्प्लिट एंड्स होना बहुत ही आम बात है, जैसा कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ, स्प्लिट एंड्स हर इंसान को होते हैं। मैं YouTube पर बहुत सारे ऐसे तरीके देखे होंगे जिससे आप अपने स्प्लिट एंड्स को दूर कर सकते हैं, बहुत सारी होम रेमेडीज़ देखी होंगी, लेकिन गाइस ट्रस्ट मी, कोई भी होम रेमेडी आपके स्प्लिट एंड्स को ठीक नहीं कर सकती है। एक बार अगर आपके बालों में स्प्लिट एंड्स हो गए हैं तो आपके अपने बालों को ट्रिम करना ही होगा, अपने बालों को वहाँ से काटना ही होगा, अभी आपके बाल ठीक हो सकते हैं, अदरवाइज़ कोई भी होम रेमेडी आपके स्प्लिट एंड्स को ठीक नहीं कर सकती है। ये बहुत ही बड़ी गलतफहमी है जो लोग फैलाते हैं और लोग इस पे भरोसा करके अपनी इन सारी चीज़ों को यूज़ भी करते हैं, लेकिन यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। स्प्लिट एंड्स को ठीक करने के लिए तो मेरे पास कोई तरीका नहीं है, उसके लिए तो आपको अपने बालों को ट्रिम करना ही होगा, काटना ही पड़ेगा, तभी जाके आपके स्प्लिट एंड्स ठीक होंगे। लेकिन स्प्लिट एंड्स हो ही ना, इसके लिए मैं आपको कुछ तरीके बता सकती हूँ। आप अपने बालों की प्रॉपर केयर करें, आपको अपने बालों को रोज़ धोने से बचना है, आपको बालों में रोज़ शैम्पू नहीं करना है, रोज़ शैम्पू करने से आपके बाल ड्राई हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, आपके बालों का मॉइस्चर निकल जाता है, जिसकी वजह से भी आपको स्प्लिट एंड्स होते हैं। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें, वीक में दो बार ही शैम्पू यूज़ करना है, इससे ज़्यादा शैम्पू यूज़ नहीं करना है, और जब भी आपको लगे कि हाँ आपके बाल गंदे हो गए हैं तभी आपको शैम्पू यूज़ करना है, अदरवाइज़ आपको शैम्पू यूज़ नहीं करना है। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो हम में से सारी लड़कियां करती हैं, जिसकी वजह से उनके स्प्लिट एंड्स होते हैं, पहले मेरे भी होते थे लेकिन मुझे किसी ने समझाया, उसके बाद से मेरे स्प्लिट एंड्स नहीं होते हैं। हम जो होते हैं कुछ ऐसा सा फोम यूज़ करते हैं, वैसे ये टूथ कॉम्ब है, हेयर स्टाइल बनाने के काम आता है, ये प्लास्टिक का होता है, जब हम इससे अपने बालों को बनाते हैं, जब इसमें से हमारे बाल निकलते हैं तो हमारे बाल इसमें फंसते हैं, जिसकी वजह से वो नीचे से कमज़ोर हो जाते हैं और स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं। इसलिए आपको इस तरीके का प्लास्टिक का कॉम यूज़ नहीं करना है, आपको इस तरीके का लकड़ी का कॉम यूज़ करना है। ये लकड़ी का है, प्योर लकड़ी का है, इससे जब हम अपने बाल बना दें, क्योंकि लकड़ी सॉफ्ट होती है तो इसमें हमारे बाल फंसते भी नहीं हैं और इससे हमारे बाल डैमेज नहीं होते हैं, दो मुँह के नहीं होते हैं। इसलिए आपको हमेशा याद रखना है, आपको ये वाला नहीं ये वाला कॉम यूज़ करना है, ये आपको हार्डली ही कहीं मिलेगा मार्केट में, हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन अगर आपको नहीं भी मिल रहा है तो आप ऑनलाइन परचेज़ कर लीजिए, मैंने भी किया है, थोड़ा सा कॉस्टली आता है लेकिन आपको खुद ही फ़र्क दिखने लग जाएगा कि जब आप प्लास्टिक के कंघे से बाल बना देते तो आपके बाल कैसे थे, और अब जब आप लकड़ी के कंघे से बाल बनाते हैं तो आपके बालों की ग्रोथ, आपके बालों का मॉइस्चर, आपके बालों की थिकनेस, डैमेज कितना ही ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है। और तीसरी सबसे बड़ी गलती जो हम में से सारी लड़कियां करती हैं, जब भी हम बाहर धूप में जाते हैं, ऑफिस, कॉलेज, स्कूल, कहीं भी जाते हैं, तो हम अपने फेस को तो स्टॉल से या फिर स्कार्फ से कवर कर लेते हैं ताकि हमें टैनिंग ना हो, लेकिन हम अपने बालों को भूल जाते हैं। बालों को भी धूप से डैमेज होता है, धूप से प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है हमारे बालों को, अगर हम बालों को धूप से प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो भी हमारे बाल डैमेज होंगे और उससे भी हमारे बाल दो मुंह के हो जाते हैं।
सो गाइस, आई होप कि मैंने आज की इस वीडियो में आपके जितनी भी गलतफहमियां होती हैं स्प्लिटेंस को लेके, दो मुंह बालों को लेके, वो सब दूर कर दी हैं। कि आपके दो मुंह बाल अगर हो चुके हैं तो वो किसी भी तरीके से ठीक नहीं होंगे, आपको अपने बालों को ट्रिम करना ही पड़ेगा। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए आप अपने बालों को कटवा लें, क्योंकि जितने ज़्यादा टाइम तक आपके बालों में स्प्लिटेंस रहेंगे, वो स्प्लिटेंस जहाँ से होना शुरू हुए हैं वहाँ से आपकी बालों की ग्रोथ तो होगी, लेकिन उसके बाद जितनी भी आपके बालों की ग्रोथ होगी वो पूरी ही ग्रोथ आपकी डैमेज होगी, बहुत ही बेकार होगी, बहुत ही रफ हेयर हो जाएंगे। इससे पहले कि आपके सारे ही बाल दो मुंह के हो जाए और सारे ही बाल डैमेज हो जाए कि बाद में आपको पूरी ही लेंथ कटवानी पड़े, इससे अच्छा है कि जब आपको खुद ही लगे कि हाँ मेरे बालों में थोड़े बहुत भी स्प्लिटेंस हो गए हैं तो आप उसी टाइम अपने बालों को कटवा लें। सो गाइज, आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो।